हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनोल क्लासेस। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत आज रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज रीजनिंग के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, ठीक ना। और कैलेंडर के अंतर्गत आज हम लोग जितने बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं कैलेंडर का, जितना वो छोटा छोटा पॉइंट्स हो सकता है, हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम सिंपली बात करें कि कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर एक तारीख देखने का, समय देखने का एक माध्यम है, जिसमें कोई भी चीज़ को हम लोग देख कर अध्ययन करते हैं। किस तारीख में आप लोग देखेंगे ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है ना, उसमें लगन कौन महीना में बा, कौन महीना में लगन नहीं के, व्रत त्यौहार किस महीना में पड़ रहा है, कौन सा सूतक लग रहा है, कौन सा राशि है, है ना, वो सारा चीज़ का देता है। राशि फल क्या हो सकता है देता है। तो लेकिन कंपटीशन में वैसा क्वेश्चन नहीं होता है। कंपटीशन में कैलेंडर से रिलेटेड डेट और दिन से रिलेटेड आता है, इस डेट को ये तारीख, इस तारीख को ये दिन है, तो उस फलां तारीख को कौन सा दिन हो सकता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे आपको। आपको कंसेप्ट के तौर पर हम बेसिक में आपको ये बताएंगे कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया में इस समय लागू कौन सा कैलेंडर है जो पूरा दुनिया अपनाया हुआ है, पता है आपको, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको आज पूरा दुनिया अपनाया हुआ है, है ना। वैसे तो कैलेंडर के बहुत इतिहास अगर पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में बहुत सारे हैं। वैसे आप देखना चाहे तो हम कैलेंडर का हिस्ट्री डाले करके डाले हैं वीडियो, आप देख सकते हैं, उसमें पूरा कैलेंडर का हिस्ट्री है, कहाँ से बना, किस प्रकार से हुआ। तो हम हिस्ट्री की बात इसमें नहीं करेंगे, इसमें कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ को जानेंगे, है ना, हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे। इतना जान लीजिए कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये पूरी दुनिया वर्ल्ड के अंदर आज के डेट में लागू है, ठीक ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और अगर हम लोग कहें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर है। भारत के अंदर विक्रम संवत का भी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर भी है, बहुत सारे मुसलमानों में हिजरी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, है ना। तो अगर हम बात कर लें कैलेंडर के बारे में, तो कैलेंडर में अगर कुल एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में साधारण बोलते हैं, साधारण, हाँ, एक साल में साधारण वर्ष के लिए कितने दिन होंगे, 365 दिन। अगर यही आपको लीप वर्ष हो, एक लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। ये आपको कंसेप्ट में होना चाहिए, ये तो बच्चों वाला है, ये तो चलता फिरता रास्ता में कोई पूछ देगा, शादी ब्याह में गए ज़्यादातर लोग पूछ दे ना कि बताओ, ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे, कौन महीने में लड़का कम रोएला, फरवरी में, क्या उस वहाँ कंसेप्ट था फरवरी में दिन में कम होला, हर एक महीने में 30-31 दिन रोएगा, उसमें 28 दिन रोएगा या तो 29 दिन रोएगा, इसलिए कहते हैं कौन महीना में लड़का कम रहेला। तो कितना वहाँ तर्क दे रहा था, ठंडावा रहेला, ठंडा में लड़का सुतर रहना से, ये सब कम रोने से ऐसा बात नहीं है, उम्र दिन में कम होला फरवरी महीना में, इसलिए फरवरी महीना में कम रोते हैं। और फरवरी महीना पर रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत देता है, कन्फ्यूजन लोग हो जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि प्रधानमंत्री हैं शायद कोई करके, कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका बर्थडे 4 साल के बाद मनाया जाता है, हमको सही से नहीं आया, शायद चौधरी चरण सिंह करके हैं या मुरारजी देसाई करके ऐसे, आप खुश, हाँ वही प्रधानमंत्री हैं। अब मान लीजिए कि जिसका 29 तारीख को जन्म हो गया, हर एक साल तो अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, और उसका लीपे वर्ष में मनेगा तो मनेगा 29 फरवरी को, है ना, थैंक यू। 29 फरवरी कब आता है आपको लीप वर्ष में आता है, तो प्रत्येक 4 साल वो बहुत बढ़िया है कि जो 29 तारीख के जन्म लेना सन, हर एक साल बर्थडे मनाओ के झंझट नहीं के, लेकिन वो शौकीन आदमी बा वो कही कि हम 28 के मनाए का होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। आप 29 तारीख को तो 29 तारीख एकदम 4 साल बाद बम्फर मनाओ, एकदम 4 साल के बाद बम्फर मनाओ ना, है ना, 4 साल के बाद भी 1 साल का वही, तो वही बात है। तो होता है ऐसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड होते हैं, है ना। देखिए अगर एक लीप वर्ष में 366 में एक दिन इसमें से बढ़ा क्यों, 365 से एक दिन बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 29 का होता है, यहाँ पर फरवरी आपका 29 दिन का होता है, इसमें फरवरी आपका 28 दिन का,
इसमें फरवरी 28 दिन का, लेकिन एक दिन जो ही प्लस हुआ आपको लीप वर्ष हो गया, ठीक ना। और भी कंसेप्ट देखते हैं, एक सप्ताह में कौन दिन होला? 7 दिन। याद हो जुली, याद रखी, एक हफ्ता चलाना, हफ्ता। अब जे भी उठौना दूध देला चाहे तो 8 दिन पर हिसाब होला ना हो, 8 दिन पर 7 दिन में नहीं होला दूध वाला, लोग याद रखना 7 दिन। तो एक हफ्ता में कौन दिन? 8 दिन है ना। तो सप्ताह हफ्ता में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाला है ना, कि सोमारे सोमार 8, अतवारे अतवार 8। अब वैसे अतवार वैसे शनिचर के लिए बताओ 7 दिन है, और वैसे मंगरे मंगल 8 दिन हो गल। गाँव लोग ज़्यादा जोड़ ना, मंगरे मंगर 8 भयल तब मंगरे मंगर 8 था, दूसरा मंगर है तो 2 और ही 8, 16 दिन हो गल, 2 हफ्ता लग गल। 2 हफ्ता में अपना का करिए हिसाब करा ला, नहीं तो बढ़ जी ई हो गल। अब साल में हाँ, एक साल में सप्ताह, एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52 को सप्ताह होला, ठीक ना। यहाँ तक तो हो गया कंसेप्ट। अब हम कैलेंडर के अंदर एंट्री मारते हैं कैसे, देखो पहले तुमको कंसेप्ट बताते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं जो आप माइंड में बात को रखेंगे यार, तो आपको सवाल बनाने बहुत सहूलियत होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे या देखते देखते उत्तर बता देबो, लेकिन वो 3-4 कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, चलता फिरता कंसेप्ट है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। पहला कंसेप्ट, अगर ध्यान रखिए, कभी भी साधारण वर्ष है, आप कह रही थी बच्चे तू कर लो कि साधारण वर्ष का वाला सजा लीप वर्ष का वाला, यहाँ तो क्लियर हो गया ना। साधारण वर्ष में क्या होगा, 4 से भागा नहीं जाएगा, और लीप वर्ष में 4 से भागा चला जाएगा। प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, साधारण वर्ष के बाद प्रत्येक 4 साल हो जाएगा तो क्या होगा, लीप वर्ष आता है, और लीप वर्ष में हमेशा 4 का भागा पूरा क्या जाएगा, कट जाएगा, और साधारण वर्ष में नहीं कटेगा। वही पहचान है तुम्हारा लीप वर्ष और साधारण वर्ष का। हाँ, अब 2004 से 2004 होगा, 2008 हो, 2012, 2016, 20 ऐसे करके लीप वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाएगा है ना। 2004 देख लो, अगर 2004 भाग देला ये 4 से तुम्हारा पूरा कट जाएगा, 4×5=20 होगल 1 होगा कट जी ना, अर्थात तुम्हारा पूरा कट जाए। लास्ट में देखो सम संख्या में आ रहा है कि नहीं, 4 का अंतराल देखो, इसके बाद फिर 4 से बढ़ा देबो 2008 हो जी, फिर 4 से बढ़ेबो 2012 हो जी, फिर 4 साल बढ़ाओ 2016, फिर 4 साल बढ़ाएगी 2020, अब 2024 तो लीप वर्ष है, 2023 चल रहा है ना, ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, 2024 जो आएगा आपका लीप वर्ष होगा। अब उसमें ना जो नयका साल जो आ रहा है ना, इसमें फरवरी 29 तक का होगा, 29 दिन का उम्मा जोने का बर्थडे नाई में होली खखुआ के 4 साल के बाद मनाइए सर है ना, कि चल हमारा बड़का बम्फर पार्टी है, कहीं 4 साल के बाद हमारा बर्थडे आल ठीक है, अभी तैयारी करके हम आवत था 2024 में डेट फिक्स, आ जे कि नहीं बोला कहो के बोलाइए उम्मा कि आज से 4 साल के बाद बर्थडे मनाता, एमस कोई जान का नहीं हुई। अब देखो अगर कंसेप्ट याद देखिए, कंसेप्ट में पहला हम लोग ध्यान देते हैं, अगर साधारण वर्ष क्या है, यदि साधारण वर्ष हो, ध्यान रखिएगा साधारण वर्ष, जनरल ईयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, लीप ईयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जनरल ईयर साधारण वर्ष, यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन का मतलब कि 1 जनवरी, ध्यान रखिए प्रथम दिन मतलब ध्यान कर लो 1 जनवरी, 1 जनवरी ये प्रथम दिन जो दिन पड़ेगा, 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा है ना, दिन जो दिवस होगा, वही दिवस 31 दिसंबर को भी होगा। ये पहला रामबाण रख लो अपने पास,
कहीं से क्वेश्चन देखो कैसे पूछी, क्वेश्चन पूछी कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 भैया 23 में को कौन सा दिन होगा। साल हुए है, साल नहीं बदलल है, लेकिन है तो हर डेट बदल कर और महीना बदलल, लेकिन अभी तो कंसेप्ट यह कहल चाहे था कि जौन एक जनवरी के दिन हुई मंगलवार वह दिन तर 31 दिसंबर 2003 को भी होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये आपका इस दिन भी क्या होगा मंगलवार ही होगा, यहाँ भी मंगलवार है, यहाँ नहीं बदले, ठीक ना, कोई दिक्कत ये होगा तो के एगो कंसेप्ट। अगर यहीं पर तुम्हारा लीप वर्ष दे देता, साधारण वर्ष को हटा कर लीप वर्ष दे दें, अगर तो के कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर टू, यदि लीप वर्ष हो, क्या हो लीप वर्ष हो, अगर यही वाला कंसेप्ट में साधारण वर्ष को हटा दें, क्या रख दें लीप वर्ष रख दें, पता है क्या होगा उसमें दो दिन ऐड हो, नहीं एक दिन ऐड होगा, सॉरी उसमें एक दिन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, हो तो प्लस एक दिन होगा, इसको समझिएगा, यही वाला क्वेश्चन में यदि लीप वर्ष आ जाए साधारण वर्ष ना हो तो एक दिन प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया 1 जनवरी 2004 को क्या है सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, तो दो दिन बची नहीं बढ़ेगा एक के दिन बढ़ेगा, क्योंकि रूल कहता है कि एक दिन बढ़ाना है आपको, यहाँ पर सोमवार से एक दिन छलांग मार लेगा और हो जाएगा मंगलवार। अब उसका भी कंसेप्ट बता रहे हैं, पहले इसको समझिएगा, अगर लीप और छुच्छे लीपे वर्ष में खाली पूछे तो ऐसे काम हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाएं। देखिए अगर तीसरा कंसेप्ट की अगर बात करें, अगर कोई साधारण वर्ष दे जैसे कि 1 जनवरी 2002 को अगर मान लीजिए सोमवार है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन दे, अर्थात साधारण वर्ष से अगला भी साधारण वर्ष और सेम डेट को पूछ दे तो आपका एक दिन प्लस हो जाएगा। जैसे देखा और रूल में ये कहा था कि जैसे कि यदि साधारण वर्ष, यदि साधारण वर्ष के बाद अगला भी साधारण वर्ष हो और डेट आपका सेम होना चाहिए 1 जनवरी से 21 जनवरी और दिनांक समान हो, तब प्लस एक जोड़ा जाता है ना, प्लस एक जोड़ा जाता है ना, जनवरी हो जाए चाहे बच्ची आपका चाहे उसमें फरवरी आ जाए, है ना, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी होता नहीं कर रही, इन्हें के बदले जाता है ना, इसलिए अगर देखिए इसमें क्वेश्चन दे दिया कि 1 जनवरी 2003 को क्या है मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2 ले लीजिए क्योंकि साधारण वर्ष के बाद साधारण वर्ष आना चाहिए और 3 के बाद 4 लेंगे तो लीप वर्ष आ जाएगा, वो मैटर अलग हो जाएगा, अगर 2000 क्या दे दें 3 दे दें, तो अगला दिन बोलें कि एक दिन प्लस एक दिन छलांग मार दे यहाँ पर,
अगर साधारण वर्ष के बाद अगला भी आने वाला तुम्हारा वर्ष साधारण हो तब एक दिन जुड़ेगा, जिससे कि यहाँ मंगलवार तो यहाँ क्या हो जाएगा बुधवार। ये आपको जनरल कंसेप्ट बताने डायरेक्टली सवाल बनाने के लिए, वैसे क्वेश्चन कई टाइप के बनेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हम चौथा कंसेप्ट की बात करें जो आपके माइंड हमेशा घूमना चाहिए, अगर साधारण वर्ष के बाद लीप वर्ष आ जाए, क्या आ जाए लीप वर्ष आ जाए, तो उस कंडीशन में आप दो दिन जोड़ेंगे, क्या करेंगे दो दिन जोड़ेंगे, है ना। यदि साधारण वर्ष की बाद लीप वर्ष आए आए तो प्लस दो दिन जोड़ा जाता है, कौन दिन जोड़ जाइए प्लस दो दिन को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण में देखिए, अगर हम कह दें अगर 15 मार्च 1995 को क्या है शुक्रवार है को शुक्रवार है तो डेट वहीं सेम होना चाहिए, तो 15 मार्च 1996 को, 96 था लीप वर्ष आज, ध्यान रखिए 1996 को कौन दिन होगा, चार से बची कटेगा है ना, तो 1996 को कौन सा दिन होगा, तो अब साधारण वर्ष के बाद क्या आ रहा है आ रहा है ना लीप वर्ष, तब यहाँ पर कितना दिन छलांग मारेगा दो दिन प्लस दो दिन होगा, शुक्रवार शनिवार और रविवार, यहाँ पर कौन सा दिन होगा रविवार। इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कई प्रकार का आवला बाची डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आएगा तो हम लोग फिर उसको भी दूसरी विधि बनाते हैं, वहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन आप इस बात को माइंड में रखें ना डायरेक्ट बनाएंगे। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ते हैं टाइप वाइज पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, और कितने कितने तरीके से क्वेश्चन ये पूछते हैं, उस सब को पढ़ेंगे, हाँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।